नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुद्रपुर में अज्ञात कारणों की वजह से एक भयंकर आग लग गई। दुर्गा फाइबर प्लांट में ये आग लगी है। आपको बता दें, आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। कई घंटों से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। ये बड़ी खबर, जहां दुर्गा फाइबर फैक्ट्री में आग लगी है, करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। इस प्लांट में आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन बत्रा जुड़ गए हैं। चेतन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? भावना, ये पन्नागढ़ शेडकुल के सेक्टर 7 में स्थित फैक्ट्री है दुर्गा फाइबर, जहाँ पे आज लगभग दोपहर में आग लगी और आग देखते ही देखते इतना भीषण रूप धारण कर लिया उसने कि जो दमकल की गाड़ियां वहां आसपास के मौके से पहुंची थी वो भी उसको बुझाने में नाकाम रही हैं। और इसके अलावा जो उसके अग्निशमन की और गाड़ियां, लगभग आधा दर्जन गाड़ियां वहां मौजूद हैं और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जिस तरह हमें अग्निशमन अधिकारी ने बताया है कि देखते ही देखते इतनी ज्यादा भीषण आग हुई है कि फैक्ट्री के दोनों तरफ से पानी की बौछारें की जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके आग को बुझाना नामुमकिन हो रहा है। और जिस तरह से अग्निशमन फोम का इस्तेमाल करता है, फोम का इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और अभी भी आग को बुझा नहीं पाया गया है और भीषण आग अभी भी कमती में लगी हुई है। जी चेतन, और कारणों का क्या कुछ पता चल पाया है, क्यों कैसे आग लगी है? जी फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध कारण हो सकते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्योंकि फाइबर का प्लांट है, तो मुमकिन है शॉर्ट सर्किट का कुछ रहा होगा जिस वजह से आग लगी है। लेकिन अभी क्योंकि जो अग्निशमन के अधिकारी हैं उनका या जो कंपनी के अधिकारी हैं उनका मुख्य उद्देश्य आग पर काबू पाना है ताकि किसी तरीके से नुकसान को और कंट्रोल में किया जा सके या और ज्यादा कोई अनहोनी है उसको काबू किया जा सके कि वो ना हो, इसलिए दमकल की गाड़ियां अभी भी, दमकल के अधिकारी अभी भी लगे हुए हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए चेतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।